आप सभी को तो मालूम ही होगा कि हम लोग की फर्स्ट सीरीज जिसको हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम था मॉब साइको 100, उसका सीजन 3 कंफर्म हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहली की नागिन निकाली, मुन्ना पर डोड़ा है अलगला, पहली की नागिन निकाली मुन्ना। सो हेलो दोस्तों, कैसे हुआ, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम किसी भी एनिमे को एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एक न्यूज़ को कवर करेंगे एंड आज की वीडियो को टॉपिक लगा मी सीजन 3 एक्सपेक्टेशन एंड मॉब साइको 100 सीजन 3 कमबैक। पहले हम बात करेंगे मॉब साइको 100 के बारे में। तो आप सभी को मालूम होगा कि आज से ठीक 5 मंथ पहले हमने मॉब साइको 100 को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके ख़त्म किया था। एंड मैंने आपसे बोला था कि यस, इस एनिमे का सीजन 2 ही लास्ट सीजन होने वाला है, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मॉब साइको 100 का सीजन 3 आएगा। अब जिन लोगों ने मॉब साइको 100 देखा है मेरे चैनल से या फिर बहुत पहले से ही, उन्हें मालूम ही होगा कि आखिर क्यों आ रहा है मॉब साइको 100 का सीजन 3। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि जो अपना मॉब है वो अपने लव को अभी तक कन्विंस नहीं किया है फुबुकी चैन से। तो आप सभी को मालूम ही होगा मॉब का एक क्रश था जिसको वो ना ही सीजन 1 में ना ही सीजन 2 में बात किया, तो सीजन 3 बेसिकली उसी पर बेस हो सकता है नहीं होने वाला है। एंड सच बता रहा हूँ, मैं बनीगल सेंपाई जब अपलोड करके इंस्टाग्राम पे गया था पोस्ट वगैरह करने, तो मैंने देखा कि मॉब साइको 100 का सीजन 3 आ गया एंड मेरे दिमाग से भाई मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया मैं बता नहीं सकता हूँ, एंड खुशी के आंसू भी गिरे। वेल, अगर आप डाई हार्ड नोरागामी के फ़ैन हो और आपको नोरागामी जैसे ही एनिमे पसंद है तो मॉब साइको 100 आपके लिए ही है। एक्चुअली मॉब साइको 100 को देखने के बाद मैंने मॉब साइको 100 जैसी नोरागामी डाई, मतलब समझ रहे हो ना, नोरागामी से बेहतर है मेरे हिसाब से मॉब साइको 100। और मैं सच बताऊं तो मैंने मॉब साइको 100 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, शायद किसी ने ना किया हो पूरे यूट्यूब पे, हमने डबिंग भी किया है फाइट सीन को। एंड अगर आपको इस एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, आखिर इसका प्लॉट क्या है, क्या ये एनिमे है और क्यों हमें देखना चाहिए, तो मैंने इसका एक एनिमे रिव्यू बनाया हुआ है, बहुत पहले बनाया है। मेरी वॉइस सुनोगे तो बोलोगे कि ये कौन बच्चा बोल रहा है, तो वो मैं ही हूँ, तो उसे भी देख सकते हो। और मैंने इस एनिमे को एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोरागामी के टट्टे बोलेंगे कि भाई इसमें नोरागामी से क्या रिलेटेड है, रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉब साइको 100 का ये लास्ट सीजन होने वाला है, क्योंकि उसके बस 10 ही चैप्टर थे एंड 10 चैप्टर में भी देखो 90.1 करके था, और एक चैप्टर के अंदर मतलब कि वो पॉइंट वाले के अंदर भी ना काफ़ी सारे पेजेस थे, तो उसको कवर करने में स्टूडियो बुंस को काफ़ी टाइम लगेगा। एंड मैं आपको पहले बता दूं कि मॉब साइको 100 एंड नोरागामी को एक ही स्टूडियो ने एनिमेट किया, जिसका नाम है स्टूडियो बुंस। अब बात ये आती है कि नोरागामी अभी तक आया क्यों नहीं है, क्योंकि नोरागामी को लगभग 7 साल हो चुके हैं नहीं आए हुए न्यू सीजन। तो मैं आप सभी को बता, स्टूडियो बुंस की सबसे ज्यादा पॉपुलर एनिमी जिसका नाम है माय हीरो एकेडमिया, वो आ गई थी ठीक 2014 में, और उसके बाद आप सभी को मालूम ही है उसने पूरा मतलब दुनिया ही बदल दिया स्टूडियो बुंस का, मतलब बहुत ज्यादा फेमस हुई माय हीरो एकेडमिया, सबने बहुत ज्यादा पसंद किया। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि वो लोग भूल चुके एंड उन्होंने फोकस किया माय हीरो एकेडमिया एनिमे पर। मेरे हिसाब से अगर वो माय हीरो एकेडमिया को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि माय हीरो एकेडमिया की मुश्किल से मुश्किल अभी 2 ही सीजन आएंगे, क्योंकि उसकी मांगा भी अभी एकदम पीक पे चल रही है। अगर मैं बोलूं तो माय हीरो एकेडमिया लगभग 2024 तक तो खत्म हो ही जाएगी, एंड मेरे हिसाब से नोरागामी 2025 में आ सकता है, या फिर उनका मन अच्छा हुआ तो वो हो सकता है 2022 में भी दे सकते हैं नोरागामी का एक छोटा सा ट्रेलर या फिर सीक्वेंस। बहुत कम चांसेस थे मॉब साइको 100 की सीजन 3 के, क्योंकि सारे फैंस ने तो सोच लिया था दिस इज लास्ट एपिसोड एंड सैल्यूट मैन, कितना बढ़िया एनिमेट किया है स्टूडियो बुंस ने। एंड आप सभी को मालूम ही होगा बहुत परफेक्ट अडेप्ट करता है स्टूडियो बुंस, फुल मेटल एल्केमिस्ट ले लो, नोरागामी ले लो, या फिर अपना मॉब साइको 100 ले लो, और भी बहुत सारी लेजेंडरी एनिमे है, माय हीरो एकेडमिया भी है। और बहुत ज्यादा लीक फैली थी जनवरी में कि मॉब साइको 100 का सीजन
3 कन्फर्म हो चुका है। जी हाँ, ये लीक फैली थी जनवरी या फिर मार्च अगस्त में फैली थी और इस लीक पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग पे गई थी ये लीक, मतलब ट्विटर पे ये ट्रेंड मारी थी कि मॉब साइको का सीज़न 3 आएगा। एंड मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सर्च किया बट मेरे को नहीं लगा कि यार नहीं आएगा, लेकिन एक दिमाग में बना भी हुआ था कि मॉब ने अभी तक अपना लव कन्विंस नहीं किया है, क्योंकि चांस है शायद हो सकता है वो आएगा। एंड गेस व्हाट, ट्रेलर में वही होता है। मैं सच सच बता रहा हूँ, जब मैंने मॉब साइको 100 को पूरा एक्सप्लेन किया था ना, मेरे बैर रो दिया था। सीरियसली बहुत बढ़िया एनिमे है, तो आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ नोरागामी सीज़न 3 के मांगा के बारे में, तो मैं इसलिए उसे नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो नोरागामी सीज़न 3 2022 में आ सकता है। नोरागामी की भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है बट माय हीरो एकेडमी से वो थोड़ा सा नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी नोरागामी की भी एक अलग फैन बेस है। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप नोरागामी के फैन हो तो आपको मॉब साइको 100 तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक ही स्टूडियो ने इन दोनों मास्टरपीस को बनाया है। मांगा एक्सप्लेन करने से मुझे कुछ ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा एंड उससे काफ़ी रिस्क भी रहेगा, हमारा छोटा सा चैनल वो भी डिलीट हो सकता है। एंड जब नोरागामी का सीजन 3 आ जाएगा तो हम उसे एकदम ओपी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट्स ऑल गाइस, यार ये है आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करें मॉब साइको 100 की सीजन 3 के बारे में, वो कब तक आएगा, तो ये यार कहा जा रहा है ये 2022 के लास्ट या फिर विंटर सीजन में देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। बोर्ड्स भी खत्म हो चुके रहेंगे उस टाइम तक, तो कमेंट करके बताओ कि आप इस एनिमे के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और अगर आपने अभी तक मॉब साइको 100 नहीं देखी है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यार, देख लो यार, बहुत मास्टरपीस है ना। इंस्टाग्राम पे गाइस फॉलो कर लेना @hindustaniotakuvan, वहां पे ही तो मैं सबसे पहले बता दिया था कि मॉब साइको 100 का सीजन 3 आ रहा है। जैसे ही ट्रेलर आया वैसे ही अपन ने स्टोरी पे डाल दिया। गाइस यार, इस वीडियो में मैंने थोड़ी कम एडिटिंग की है क्योंकि अभी मेरे स्कूल फिर से रीओपन हो चुके हैं एंड फिर से मुझे स्टडी पे फोकस करना होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम ही होगा कि टर्म 1 का डेट शीट आ चुका है जो कि 30 नवंबर से होने वाला है, तो उस पर भी मुझे काफी फोकस करना होगा। सो मैंने ज्यादा एडिटिंग नहीं की है, काम बराबर एडिटिंग की है। सो यार, अगर आपको मेरी वॉइस पसंद आती है तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर भी करना उन दोस्तों के साथ जो मॉब साइको 100 देखते हैं या फिर देखे हुए हैं। सो चलो यार, अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर क्लिकबेट।